कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बड़े चल रही। तो दोस्तों, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में हिस्ट्री की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की थी, ठीक है। अभी अपना 11th इंग्लिश मीडियम की हिस्ट्री के अभी सिलेबस अपने शुरू नहीं किया है। आज एक और वीडियो में अपने बात करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। उसी वीडियो को थोड़ा अपने आगे लेकर चलते हैं जो अपने बात की थी प्रीवियस क्लास में कि हिस्ट्री के फादर कौन थे, हिस्ट्री का मीन क्या होता है, हिस्ट्री को अपने कैसे पढ़ते हैं, क्या चीज़ हिस्ट्री होती है। उसी चीज़ को अपने थोड़ा आगे भी कंटिन्यू करेंगे कि आखिर हिस्ट्री इमर्स कैसे हुई, हिस्ट्री के अंदर ह्यूमन बीइंग कैसे आया, पहले लोग कैसे रहते थे, अब लोगों ने कैसे रहना शुरू किया, अपने आप में लोगों ने क्या परिवर्तन किए, क्या चेंजिंग किए इतिहास के अकॉर्डिंग। दूसरी बात दोस्तों, हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है, इसके लिए मैं आपसे थोड़ी और भी चर्चा करना चाहूँगा कि बहुत सी बार अपने देखते हैं कि ये कहते हैं कि हिस्ट्री पढ़ाने का मीन क्या है, क्योंकि जो बातें होनी थी वो तो हो चुकी, जो चीज़ें होनी थी वो हो चुकी, जो घटनाएं होनी थी वो हो चुकी, जो होना था हो चुका, जो राजा आने थे आगे चले गए, जो उन्होंने अपने वर्क करना था वो करना पड़ता था, फिर हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए मेरे दोस्तों, हिस्ट्री इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि अब जो न्यू जनरेशन है उसको ये बताया जाए कि जो आप अब देख रहे हो, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, जो चीज़ आपके सामने चल रही है, ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं था। अब अपने किसी आजकल देखो हर चीज़ टेक्नोलॉजी हो चुकी है। आज किसी अपने बच्चे को कहते हैं कि देख पहले हम बिना पंखों के पढ़ाई करते थे, रूम में पंखे नहीं होते थे, ऐसा होता था वैसा था, तो वो उस चीज़ को मानते हैं। क्यों? क्यों आज का जो न्यू जनरेशन का बच्चा है वो विदाउट मोबाइल नहीं रह सकता, बिना एसी के नहीं रह सकता, बिना इन न्यू टेक्नोलॉजी के रह नहीं सकता। तो बच्चों को इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है कि पहले भी ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ होता था। क्यों? क्योंकि आज का जो न्यू जनरेशन के बच्चों को देखा जाता है अपने ये बोल देते हैं कि टाइम बदल गया, ये हो गया, वो तो ऐसा कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने उन चीज़ों को भी देखा नहीं है, उस इंसान ने उन चीज़ों को भी देखा नहीं है, इसलिए उसको, क्योंकि अगर अपने इंडिया इंडियन सिविलाइजेशन पढ़े, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े या वैदिक पीरियड पढ़े, उन वहाँ पर पढ़ने का अपने पता चलता है कि आखिर क्या चीज़ें परिवर्तन हुए, क्या आए, जैसे किस चीज़ की कब खोज हुई, किस चीज़ के बारे में क्या पता चलता है, उसी चीज़ को पढ़ाने का मतलब होता है। तो आज जैसे अपने जो आज वाला जो अपना टॉपिक है उसको लेकर बात करें, तो आज अपने देखें कि टॉपिक अर्ली सोसाइटी, पहले के समय में सोसाइटी कैसी थी, पहले के समय में जो सोसाइटी थी, समाज था, लोग रहते थे किस तरह रहते थे, अपने को पता था। पहले लोग एक मतलब टेम्परेरी शेल्टर्स के अंदर रहते थे, यानी कि उनके जो घर होते थे वो मतलब अस्थाई होते थे, वो एक जगह नहीं रहते थे, कभी कहाँ चल गए, कहाँ चले, कहीं चल गई, वो एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते थे। आज यहाँ है, कल वहाँ है, कल कहीं और है, तो उनके शेल्टर्स कभी भी मतलब परमानेंट नहीं होते, ऐसा ही होता। जैसे कि यू विल लर्न हाउ ह्यूमन इमर्ज, इंसान कैसे हुआ, ठीक है, इंसान ने अपने आप को कैसे डाला, इंसान कैसे परिवर्तित हुआ, इंसान ने इन चीज़ों को अंदर अपने आप को कैसे अडोप्ट किया, कैसे अडोप्टेशन हुआ, एक व्यक्ति एक ह्यूमन भी, उन चीज़ों के बारे में अपने पढ़ते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव मेड अटेम्प्ट्स टू रिकंस्ट्रक्ट द लाइफ ऑफ अर्ली पीपल। आर्कियोलॉजिस्ट जिसको अपने बात करते हैं, जो इतिहासकार थे जिन्होंने इतिहास के बारे में जाना या अपने को बताया, आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब होता है पुरातत्व वेत्ता, जिन्होंने इतिहास की अपने को एविडेंस दिए, इतिहास के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि आखिर ह्यूमन एक इंसान कैसे इमर्ज हुआ, इंसान कैसे, किस तरह से इंसान ने अपने आप को ढाला, किस परिस्थितियों में इंसान ने रहना पसंद किया, क्या उनके सामने परिस्थितियां आई होंगी, क्या उनके सामने चीजें आई होंगी। अर्ली पीपल दे लिव्ड इन द सेंटर्स, वो सेंटर्स के अंदर रहते, जो भी इनके ठिकाने थे, जो भी इनकी झोपड़ियां थी, जो भी घर बनाते थे वो क्या थे, टेम्परेरी थे, परमानेंट नहीं थे। पहली बात कि वो जो उनके सीट थे वो टेम्परेरी थे। दूसरी बात, The food they ate by gathering plant, hunting animals. क्योंकि पहले जो इंसान था वो एनिमल्स का हंटिंग करना पसंद करता, एनिमल्स का हंटिंग करता था, जैसे भेड़ बकरियाँ हुई,
इस तरह की चीजें वो अपने पास रखता था, एनिमल्स को रखकर उसके साथ अपना जो मतलब उसकी जो डोमेस्टिक वर्क्स होते थे, जो उसकी घरेलू रिक्वायरमेंट्स होती थी उसको पूरा करता था, पेड़ पौधों से वो मतलब चीजें प्राप्त करता था। उसके बाद स्पष्ट पहली बात ये, उसके साथ एक ये क्वेश्चन हो सकता है कि इंसान की प्रकृति कैसी थी, इंसान कैसे आए, ह्यूमन बींग कैसे आए। तो ध्यान दीजिए, इंसान की अगर अपने बात करें, ह्यूमन बींग की बात करें, तो व्यक्ति ये इतिहास में पढ़ा जाता है, यानी कि ये चीजें मतलब काल्पनिक है, अपने हकीकत महान क्योंकि अपने बुक्स में लिखी हुई है तो अपने को पढ़ा करें तो 5,000 करोड़ वर्ष पहले। अब या बहुत से साल मिलियन से पहले एक जो ह्यूमन बींग जो होता था, ह्यूमन बींग जो होता, जैसे सबसे पहले अपने वानर की बात करें, मंकी की बात करें, लंगूर की बात करें, गुरीला की बात करें, ये चीजें सबसे पहले अपनी मर चुकी, यहां से चेंज होकर एक ह्यूमन बींग की ह्यूमन बींग आया। तो पहले अगर व्यक्ति की बात करें, पहले अगर कोई ह्यूमन बींग आया तो वो आए रामापितेकस नाम के व्यक्ति आए थे। पहला ह्यूमन की बात बारे में चर्चा की जाती है, रामापितेकस नाम के व्यक्ति आए थे। हालांकि ये आपको सिलेबस में, लेकिन मैं फिर भी आपको और चीजें बता रहा हूँ। रामापितेकस नाम के व्यक्ति आए थे, ये पहले ह्यूमन, तो पहला ह्यूमन बींग कहाँ मतलब इमर्ज हुआ था, तो अफ्रीका में पहला व्यक्ति जो आया था तो वो साउथ अफ्रीका के अंदर इमर्ज हुआ था, वहां पर वो व्यक्ति की खोज हुई थी। यानी कि वो हंटिंग से या अपने टेम्परेरी शेल्टर से, जैसे अपने घुमक्कड़, जैसे अपने उनको घुमक्कड़ क्यों कहा जाता है क्योंकि आज वो यहाँ है, कल वो कहीं और है, परसों कहीं और, इस तरह से वो अपनी लाइफ को स्पेंड करते, इस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को परिवर्तित करते रहते थे। ये अर्ली सोसाइटी की बात है, यानी कि अपने इस चीज इतना ही पता होना चाहिए कि व्यक्ति पहले कैसा रहता था, किस हिसाब से रहता था, क्या उसका पहनावा था, क्या उसका मतलब खाने क्या खाता था, क्या पहनता था, क्या उनकी मतलब है, यानी कि ये चीजें अपने को पता होनी जरूरी है। ये बेसिकली चीजें हैं, ये आपके मतलब आपको एक आपकी जो हिस्ट्री है उसके मतलब बेस को काफी मतलब स्ट्रॉन्ग करने का ये काम करेगा, ठीक है ना। जैसे अपने आप आगे थोड़ी बात करते हैं, जैसे अपने बात करते हैं मेसोपोटामिया, यानी कि आपने एक मेसोपोटामिया का नाम बहुत जगह सुनने को मिलता होगा, ठीक है। मेसोपोटामिया जो है इसको जिसे प्रेजेंट इराक के नाम से जाना जाता है, यह भी एक ऐतिहासिक वेताओं की खोज है। मेसोपोटामिया का आपने नाम सुना होगा, आपने मोहनजोदड़ो का नाम सुना होगा, आपने चंद्रदड़ो का नाम सुना होगा, आपने बनावली का नाम सुना होगा, आपने कालीबंगा का नाम सुना होगा, आपने राखीगढ़ी का नाम सुना होगा। ये सारी ऐतिहासिक चीजें हैं, ये सारी सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन के टाइम की चीजें, ये तब समय के खोज की बातें हैं। ये सारी सारी मतलब एंशियंट टाइम की चीजें, पुरानी चीजें। हालांकि ये जो इस बात के आपके जो 11th क्लास की जो हिस्ट्री मतलब आपके सिलेबस में इंक्लूड हुई है, ये मतलब जो अपने चीजें आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पढ़ते हैं या अब तक अपने, उससे बिल्कुल डिफरेंट है, एक बहुत डिफरेंट एंड ब्रॉड हिस्ट्री है, बहुत ही थोड़ा टफ मैटर है। अपने मैं आप कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई टू एवरी योर डाउट इज क्लियर, एवरी टॉपिक इज वेरी क्लियरली, यानी मैं चाहूंगा आपकी हर चीज को बिल्कुल क्लियर तरीके से कोशिश करूंगा, आपको हर चीज बिल्कुल आसानी से समझाई जाए। इसीलिए मैं आपको अभी भी आपको सिलेबस से मैंने आपको बोला था 2 से 3 वीडियो आपके बेसिक के ऊपर चलेंगी, आज भी आपकी जो क्लास है वो एक बेसिक के ऊपर चलेगी, इसको अपने बेसिक के साथ अपने कनेक्ट करके बेसिक के साथ इसको जोड़कर चलेंगे, ठीक है। अब ये सिटीज डेवलप्ड अराउंड द टेम्पल, जो उनके घर होते थे वो मंदिरों के आसपास होते थे, थोड़े दूर लेकिन उसी जगह के आसपास होते थे। क्यों? क्योंकि ये शेल्टर्स अपने आसपास किसी जगह किसी न किसी ऐसी जगह के ऊपर पास बनाते थे, जैसे इनकी जो भी इन्होंने मतलब नाइट को अपना रुकना है या अपने कोई भी काम करना है उसके आसपास इनको पानी कहीं से किसी नदी के किनारे बसा लेते थे, किसी ऐसी जगह को बसा लेते थे जहाँ से इनका बसेरा हो सके, जहाँ से इनकी जो भी चीज़ इनकी जरूरत हो वो चीज़ इनकी पूरी हो सके। उसके बाद अपनी बात करें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, इनके दूर दूर तक व्यापारी संबंध होते थे, यानी कि ये व्यापार करते थे, एक कोई भी इन्होंने व्यापार करना, कोई भी इन्होंने सामान बेचना, ये अपने जो एनिमल्स जो इसके डोमेस्टिक एनिमल्स जो पेट एनिमल्स होते थे इनके एक इनके अलावा ये होते उसके अकॉर्डिंग वो मतलब जाते थे। उस समय कोई ज़्यादा अपने पास कोई व्हीकल्स वगैरह की सुविधा नहीं थी कि अपने ये चीज़ लेकर वहाँ जाकर अपने उस चीज़ से इस सामान को बेचें, वो चीज़ खरीदाएँ, वो चीज़ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय की बात करें उस मतलब इस जब 5,000 करोड़ वर्ष पुरानी बात है, ये जो अपने आज अपने जो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं अब की नहीं है, ये कोई मुगल काल मुगल पीरियड नहीं है, ये कोई दिल्ली सल्तनत पीरियड नहीं है, ये कोई गांधी जी का टाइम पीरियड नहीं है, ये उनसे भी बहुत पहले की बातें अब आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप इस सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे, बहुत मतलब आपको चीजें बहुत
धीरे धीरे आराम आराम से आपको समझ में आने वाली चीजें आराम आराम से धीरे धीरे सोच सोच कर समझ समझ कर इनको पढ़िएगा, ठीक है। जो भी आपको बहुत अच्छी राइटर्स की बुक मिलेगी उसको पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी अच्छी मतलब तो यूट्यूब के ऊपर आपके पास बहुत ही मतलब सोच से पढ़ने का, मैं आपको एक बेसिक चीज बता रहा हूँ, मैं आपको मतलब डाउट क्लियर कर, उसके बाद आप किसी भी बुक से किसी भी कहीं से पढ़िएगा, आपके नो डाउट, कोई भी डाउट क्लियर नहीं होगा। अगर आपको कोई दूसरी तीसरी चीज पता चलती है, आपको नई बात पता चलती है, आप मेरे को बताइएगा अपनी क्लास के अंदर, मैं उससे आप डिस्कस करूंगा, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में उस चीज के बारे में जरूर लिखिएगा, आपने जब भी नेक्स्ट क्लास होती होगी आप उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिएगा लोग बात करेंगे, लोग जिसने दूर दूर तक बने हुए, क्योंकि ये इनका जो ग्रुप होता था अलग अलग ग्रुप में बटे हुए होते थे, क्योंकि ये जो मक्कड़ लोग जो होते थे अलग अलग ग्रुप में बटे हुए होते थे, कुछ कहाँ बैठ के कुछ कहाँ बैठ के, और आपस में इनका एक दूसरे से कनेक्ट था, उसमें कोई व्हाट्सएप या कोई और कोई मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी तो होती नहीं थी, लेकिन मक्कड़ लोगों को पता होता था ये अपने जो, इसीलिए जो अपने इनका जो मतलब सेंटर्स होते थे ये एक टेम्पररी होते थे, क्यों, क्योंकि इनको हर कुछ समय के बाद अपने सेंटर्स को चेंज करना पड़ता था, आज किस जगह ऊपर है, कल किसी जगह के ऊपर जा रहे हैं, कल किसी, तो इसको टाइम के अकॉर्डिंग इनके सेंटर्स को चेंज करना पड़ता। अब अपने आगे बात करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट की बात करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस रिमेन्स ऑफ ओल्ड सेटलमेंट्स, क्योंकि जितने आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि जो भी पुरातत्ववेत्ता थे, जो भी मतलब जिन्होंने किसी कहीं पर इनको कोई एविडेंस मिला उनको ढूंढने वाले थे, इतिहास की खोज करें, उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस रिमेन्स ऑफ ओल्ड सेटलमेंट्स, क्राफ्ट्स पीपल, काइट्स, लेबर्स, प्रिस्ट, किंग्स एंड क्वींस, हाउ पेस्टल पीपल, पेस्टल पीपल बोला जाता है जो मुक्कड़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके पेस्टल बोला जाता है, या उसको इतिहास में यावर्स बोला जाता है, ठीक है ना। प्लेड एन इंपोर्टेंट रोल, यानी कि जो मक्कड़ लोगों का जो रोल होता था उनका बहुत बड़ा, उन्होंने बताया कि क्वींस भी होती थी, किंग्स भी होते थे, क्राफ्ट्समैन भी होते थे, लेबर्स भी, यानी कि उससे मजदूर भी थे, हंटिंग करने वाले भी थे, कोई कारीगर भी थे, या कोई कारीगर भी थे, यानी कारीगर जो काम चलाने वाले थे, किसी न किसी कारीगर से जुड़े हुए थे, वो लोग भी उनके बहुत मात्रा मिले हैं, और उन्होंने उन लोगों को ढूंढा, उन लोगों से मतलब एविडेंस मिले, आखिर वास्तव में ऐसे थे क्या, वास्तव में थे या नहीं थे, इसके बारे में भी कहना नहीं, क्योंकि बुक्स में जो चीज लिखी हुई है जो कहीं ना कहीं से इसका एविडेंस अपने को प्राप्त हुआ है, कहीं ना कहीं से इसको मिला है, तो अपनी चीज की बात कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे सारे इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, पेस्टल पीपल से पता चलता है, क्योंकि पेस्टल पीपल से ही किस जो व्यक्ति इधर से उधर जाता है, कहीं ना कहीं से मिलता है, कहीं ना किसी को जानकर प्राप्त करता है, उसी से तो अपने पता चलता है कि कोई क्वींस भी थे, कोई मतलब किंग्स भी थे, कोई क्राफ्ट्समैन भी थे, कोई क्राइस्ट भी थे, सबके बारे की जानकारी जो थी है वो ज्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट रोल जो इस इंपॉर्टेंट रोल जो इस चीज के अंदर अपने को मतलब अर्ली सोसाइटी के अंदर या ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर अपने को पता चलता है, तो पेस्टल पीपल का रोल जो सबसे होता है सबसे मेन रोल बताया गया। अब आप आगे बात करते हैं, इफ राइटिंग हैड डेवलप्ड मिलियंस इयर्स हैड लिव्ड फॉरेस्ट केव्स एंड टेंपरेरी सेटल्स सिटीज एंड विलेज, मैंने आपको पहले बताया था कि जो उनके घर होते थे, जो गांव होते थे, जो भी जहां पर ये रहते, जहां अपना निवास उनका स्थान होता था, ये मतलब इनका एक टेंपरेरी होता था, इनका मतलब परमानेंट नहीं होता था, टेंपरेरी हाउस में ये रहते थे, लेकिन टेंपरेरी इनका जो भी मतलब तिरपाल बनाते थे उस पर, को भी जो छत गिरते थे, जो भी मतलब इन्होंने किस मतलब लकड़ियों से बनाते थे या जंगली जो भी मतलब इन जो भी मतलब अपना यूज करते थे सामान घर बनाने के लिए, वो सारा सारा इनका सेल्टर्स जो बनते थे वो क्या होते थे, टेम्परेरी सेल्टर्स होते थे, ठीक है। पीपल सेटल इन एग्रीकल्चर, उसमें लोगों को ज्यादा बसाए गए, देखो आज अपने पढ़ते हैं कि भारत एक कृषि एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर है, कि भारत जो इंडिया जो है एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर एक देश है भारत, ठीक है। लेकिन क्या ये बात आज की है क्या, अगर अपने पढ़े आज के लोगों को 10 20 30 सालों से लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, क्या ये चीज आज की है क्या, ये दोस्तों ये चीज आज की नहीं है, क्योंकि जब आप मौर्य पीरियड पढ़ेंगे, जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ेंगे तब आपको वहां पता चले, क्योंकि जब अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ेंगे उसके अंदर जब अपने हड़प्पा पढ़ेंगे, ठीक है, हड़प्पा पड़ेंगे तो वहां पर अपने को पता चलता है वहां पर कहीं से अपने को वीट के, मिलेट के, गेहूं के, जौ के एविडेंस मिले, इसका मतलब तो खेती आज तो एक राह से तो नहीं हो रही है। अगर अपने ज्यादा दूर नहीं जाते हुए अपने पास ही जाए कालीबंगा, तो कालीबंगा में बैलगाड़ी के एविडेंस मिले हैं,
बैलगाड़ी के एविडेंस मिले हैं और वहां पर एक साथ तीन क्रॉप्स को शोन करने के मतलब अपने एविडेंस मिले हैं, एक साथ तीन फसल को उगाने के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब कि खेती बाड़ी आज से तो नहीं हो रही है, पुराने जमाने से हो रही है, पुराने टाइम से इसीलिए तो पीपल सेटल्ड इन एग्रीकल्चर नोमैडिक या नोमैडिक घुमक्कड़ नोमैडिक को घुमक्कड़ बोला जाता है, नोमैडिक से पीपल होते थे। यानी कि इसका मतलब कि जो भी अपने आज अपने जो चीजें यूज कर रहे हैं, आज जैसे अपने पॉलिटिकल बात करते हैं, गवर्नर बात करते हैं, प्रेसिडेंट बात करते हैं, पीएम बात करते हैं, सीएम बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करते हैं, जो पावर्स होती है प्रेसिडेंट की पावर्स की बात करते हैं, अपने सोचते हैं ये पॉलिटिकल जो पार्टी हो आज से नहीं है, बस इनके नाम को चेंज बदल दिया। कभी जब अपने महाजनपद पीरियड पढ़ते हैं, महाजनपद पीरियड के अंदर पढ़ते हैं, तब अपने वहां पता चलता है उनके नाम में परिवर्तन है। जैसे आपने प्रीवियस क्लास 10th क्लास में पढ़ा था अमत्य, अमत्य पटा।